बड़ी खबर गोरखपुर से मिल रही है, जहां पर गोरखपुर में डॉक्टर कफील के मामा की हत्या कर दी गई है। तो देर रात बताया जा रहा है कि नुसरतुल्ला वारसी की गोली मारकर हत्या की गई है, जहां बदमाशों ने सिर पर गोली मारी। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद में हत्या की आशंका फिलहाल लगाई जा रही है। तो देर रात आपको बता दें कि घर से जब नुसरतुल्ला वारसी घर की ओर लौट रहे थे, तो उसी दौरान बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया और उसके बाद वहां से फरार हो गए। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि गोरखपुर में डॉक्टर कफील के मामा, जिनकी हत्या को अंजाम बदमाशों के जरिए दिया गया है, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी चल रहा था और उसी के चलते फिलहाल इस हत्या को अंजाम दिया गया है। सिर पर गोली मारी गई है और उसके बाद वहां से बदमाश फरार हो गए। तो नुसरतुल्ला वारसी जो कि देर रात घर लौट रहे थे और इसी बीच उन पर ये हमला किया गया। हरेंद्र दुबे फिलहाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। हरेंद्र, क्या अभी जानकारी इस पर मिल पाई है? देखिए, जहां तक मामला है, डॉक्टर कफील साहब के मामा की गोली मारकर जो बीती रात हत्या कर दी गई है, राजगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि मामले में पुलिस अगल बगल के लोगों के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है, ताकि उसमें कोई सुराग मिल जाए। सबसे बड़ी बात है, गोरखपुर में डीआईपी जो कस्बा कहा जाता है, डीआईपी इलाका कहा जाता है, उस इलाके में बदमाश आते हैं और गोली से मारकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। घटनास्थल पर हर बार, हर समय की बात, इस समय भी जिले के जिम्मेदार अधिकारी पहुंचे हैं और जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए हरेंद्र, क्या परिजनों ने भी यही आशंका जताई है? परिजनों का तो अभी रो रो करके बुरा हाल है। परिजन किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अधिकारियों से बात हुई है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है, जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्त में कर लिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद आपका हरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।